ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। लालकुआ में युवती के अपहरण मामले में भीड़ को उकसाने, हाईवे जाम करने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 52 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद उपद्रवी तत्वों ने तोड़फोड़ की कोशिश की थी, जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने जब लोगों को समझाने की कोशिश की तो सरकारी काम में बाधा डाली गई। सीसीटीवी की मदद से अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। लालकुआ थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को हमने अभी तक आइडेंटिफाई करा है उसमें, और सीसीटीवी की सारी फुटेजेज हैं हमारे पास। जो लोग भी गलत तरीके से इस तरह से कानून को हाथ में ले रहे हैं, उन सबकी पहचान करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। रामनगर में एक शख्स पर युवती के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका उत्पीड़न किया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। युवती है जिसके द्वारा एक रामनगर निवासी युवक के खिलाफ शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है, जिसमें अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता द्वारा बताया गया है कि वो इसमें 5 माह की गर्भवती है। मेडिकल कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा में संचार की समस्या से गुस्सा लोगों ने जुलूस निकाला। ग्रामीणों का कहना है कि दोगी पट्टी में लंबे समय से संचार की समस्या बनी हुई है, जिससे लोग जरूरत के समय भी अधिकारियों से बात नहीं कर पाते। दोगी पट्टी के 23 ग्राम पंचायत सहित कई गांव में मोबाइल नेटवर्क की समस्या है। उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ऐसे मामले भी प्रशासन के लिए चुनौती हैं, जो लोग जांच के दौरान अपना पता और फोन नंबर गलत दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लोगों को ढूंढने में दिक्कत आ रही है। इसी को देखते हुए अब सैंपलिंग OTP ऐप के माध्यम से लिए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे इस तरह की परेशानियां सामने ना आए। देखने में आया है कि बहुत सारे लोग जो है वो टेस्टिंग के समय अपना मोबाइल नंबर जो है वो गलत दे रहे हैं, जिससे उनको ट्रेस करने में दिक्कत हो रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अभी जितनी भी लैब्स हमारी हैं, उन सारी के सारी लैब्स में ये निर्देशित किया गया है कि जो हमारा ऐप है जिसमें OTP के माध्यम से सैंपल लिया जाता है, उसी के माध्यम से सैंपल लिया जाए, जिससे कि इस तरीके की फर्दर कोई प्रॉब्लम। रामनगर में हाथी ने एक मजदूर की जान ले ली। बताया जा रहा है कि मजदूर काम के बाद वापस घर लौट रहा था, इसी दौरान हाथी ने उस पर हमला कर दिया। इस दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के परिवार में कोहराम है, मृतक के 4 बच्चे हैं। ऐसे में उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल वन विभाग की तरफ से मृतक के परिवार को 10,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। पिथौरागढ़ के मुंसियारी बंगापानी के कई गांव के लोग अब भी टेंट में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के सामने अब नई परेशानी खड़ी हो गई है। दरअसल 15 सितंबर से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने लगी है। ऐसे में लोगों की चिंता इस बात को लेकर है कि बर्फ गिरने पर ये लोग टेंट में कैसे रहेंगे। ग्रामीणों ने इसके लिए DM से गुहार लगाई है। वहाँ पे रुका हुआ है, वर्तमान में जो अस्थायी रूप से उनका व्यवस्था किया गया है टेंट्स में और सामुदायिक भवन में और पंचायत घरों में, उनके लिए उन्होंने कहा है कि पेयजल की व्यवस्था भी एक बार देख लिया जाए और उसके अनुसार जो है वहाँ पे पेयजल का एक परमानेंट व्यवस्था स्थायी रूप से क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर विचार किया गया। वर्तमान में वहाँ पे अस्थायी रूप से जो पेयजल संयोजन किया गया है वो भी संचालन हो रहा है। कोरोना की वजह से इस बार रामनगर के पर्यटन कारोबारियों का पर्यटन पूरी तरह से चौपट रहा। आगामी पर्यटन सीजन को लेकर पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों से बात की। कारोबारियों की मांग है कि पर्यटक कॉर्बेट पार्क घूमने आ सकें, इसके लिए नियमों में ढील देने की जरूरत है, इससे इनका कारोबार भी चल सकेगा। और उत्तराखंड में लोक सांस्कृतिक मेलों का अपना ही अलग महत्व है। उत्तरकाशी के लाल घाटी के गाजड़ा ठंडी कमद में भेड़ों के मेले का आयोजन किया गया। ये मेला हर 3 साल बाद लगता है। माना जाता है कि हर गांव से ईष्ट देव मेले में शिरकत करते हैं। गांव के लोगों की भेड़ बकरी जब डंडा की छानियों से वापस आती हैं, उसके बाद ये मेला किया जाता है। और अब आगे देख